नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर विकास आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नारियल पानी के फायदों की। तो नारियल पानी के क्या क्या फायदे हैं और किन लोगों को नारियल पानी बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तो नारियल पानी को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको इसके फायदे बता देता हूँ। तो लगभग एक कप नारियल पानी के अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन रहता है। न्यूट्रिशन वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो एक कप नारियल पानी के अंदर, अगर कार्ब्स की बात करें तो 15 ग्राम कार्ब्स रहता है, शुगर लगभग 8 ग्राम के आसपास रहता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम 4% के आसपास रहता है, इसके अलावा फॉस्फोरस जो होता है वो 2% होता है, और सबसे ज़्यादा पोटाशियम जो होता है वो जो है नारियल पानी के अंदर पाया जाता है लगभग 15%। 1 कप जो है कोकोनट वाटर के अंदर, नारियल पानी के अंदर ये पाया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा एक न्यूट्रिशन का सोर्स है। तो जिनको न्यूट्रिशन की कमी है उन्हें ज़रूर जो है वो नारियल पानी लेना चाहिए। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो नारियल पानी को एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। जी हाँ, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। जैसा कि आप सबको पता है कि बॉडी के अंदर, जब बॉडी के सेल का मेटाबॉलिज्म होता है तो उसके अंदर बहुत सारे फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं बॉडी के अंदर, और यही जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, है ना, ये जब सेल का मेटाबॉलिज्म होता है तो सेल स्ट्रेस के कारण जो होता है ये, या किसी इंजरी के कारण ये प्रोड्यूस होते हैं, एक तरह के अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, और अगर ये जब हद से ज़्यादा हो जाएंगे तो ये रेडिकल जो होते हैं बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्टेज में या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में जो होते हैं वो ले जाते हैं, जिससे कि हमें विभिन्न बीमारियाँ होने के चांसेस रहते हैं। तो नारियल पानी अगर हम लेते हैं तो ये हमारे शरीर को बहुत ही अच्छे तरह से बैलेंस करता है, इन फ्री रेडिकल्स को जो है बॉडी से डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। तो बहुत ही अच्छा एक सोर्स है, एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है, शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी है। तीसरी अगर मैं बात करूं तो जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनके लिए नारियल पानी बहुत ही अच्छा माना जाता है। उसके बाद में अगर मैं फोर्थ नंबर की बात करूँ तो हार्ट के पेशेंट्स के लिए जो है नारियल पानी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि नारियल पानी जो होता है वो हमारे ट्राइग्लिसराइड लेवल को, बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड लेवल को जो है वो कम करता है, हमारे बीपी को मेंटेन रखता है, और हार्ट को भी जो है वो एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसलिए जो है हार्ट के लिए भी जो है नारियल पानी बहुत ही अच्छा है। इसके बाद फिफ्थ वन की अगर मैं बात करूँ, कोकोनट वाटर जो होता है वो, जो लॉन्ग लंबे समय तक एक्सरसाइज करते हैं या वर्कआउट करते हैं या स्पोर्ट्समैन है, है ना, जो अपना लंबा समय मैदान में गुजारते हैं वर्कआउट के लिए, और उनके बॉडी के अंदर जो होता है वाटर की अक्सर कमी होती है, और ख़ुद को हाइड्रेट करने के लिए वो पानी पीते हैं, तो अगर वो साथ में कोकोनट वाटर को भी यूज़ करें तो ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा जो होता है लाभदायक होगा। इसके अलावा ये एक डिलीशियस सोर्स भी है हाइड्रेशन का। तो अक्सर आपने देखा होगा कि डेंगू के पेशेंट्स में भी जब बॉडी के अंदर थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस होता है या बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है और फ्लूड हमें जो है मेंटेन रखना होता है, तो उनको भी कोकोनट वाटर जो होता है वो एडवाइस किया जाता है, बस उसमें थोड़ा सा पोटाशियम को देखना होता है कि वो ज़्यादा रेंज में तो नहीं है। तो इस तरह से जो है ये हमारे पास जो है कोकोनट वाटर के फ़ायदे थे। इसके अलावा किडनी के पेशेंट्स के अंदर जो है किडनी स्टोन में जो है ये बहुत ही फायदेमंद है। सिक्स मंथ अगर मैं बात करूं, अगर एक साधारण किडनी का पेशेंट है उसके लिए फायदेमंद है, और जिनको किडनी स्टोन है उनके लिए भी कोकोनट वाटर बहुत ही फायदेमंद होता है। लेकिन अगर किसी तरह की कोई क्रोनिक किडनी डिसीज़ है ना, या किडनी फेलियर है, और अगर हमारे किडनी टेस्ट के अंदर जो है, जो हमारा RFT या KFT होता है, उसके अंदर पोटाशियम जो होता है इलेक्ट्रोलाइट्स में, अगर पोटाशियम बढ़ा हुआ है क्रिएटिनिन यूरिया के साथ में, तो वहाँ पे थोड़ा सा जो होता है एक डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो नॉर्मली जो है नहीं दिया जाता है उस स्टेज में। सिर्फ एक यही कंडीशन है जहाँ पे जो होता है वो हम कोकोनट वाटर को नहीं देते हैं, तो क्रोनिक किडनी फेलियर्स के पेशेंट में ही अवॉइड किया जाता है। बाकी अगर किडनी स्टोन है और नॉर्मल पर्सन है तो उसकी किडनी की हेल्थ के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरह से आज हमने बात करी बहुत सारे जो है कोकोनट वाटर के फ़ायदों की। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि कोकोनट के अंदर जो गिरी होती है, जैसे हम मलाई बोलते हैं,
तो उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो बने रहिएगा हमारी अगली वीडियो में भी हमारे साथ। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा। अगर ये आप हमारे YouTube चैनल पे इसको देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर आप हमारे Facebook चैनल पे इसको आप देख रहे हैं तो हमें फॉलो करते जाइएगा। Instagram पे अगर आप देख रहे हैं तो भी हमें फॉलो करते जाइएगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ में इस जानकारी को शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।